स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू ब्लॉग में। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। पहला आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हों, बाकी मैं भी ठीक हूँ। तो आज बहुत टाइम बाद ब्लॉग बनाया है मैंने, और अभी मैं हल्द्वानी में ही हूँ, पहाड़ वगैरह नहीं गई हूँ। और दरअसल आज ब्लॉग बनाने का कारण ये था कि मुझे आपको किसी से मिलाना था, और ब्लॉग नहीं बनाने का बीच में कारण ये था कि मेरे बच्चों को हॉलीडे होमवर्क्स वगैरह कराना था, तो मैं बच्चों के साथ व्यस्त थी इसलिए कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। तो आज 3-4 दिन हो गए हैं, मेरे रूम पे कोई आया हुआ है, उनसे आपको मिलाना था, इसलिए मैंने आज ब्लॉग बनाया, क्योंकि उनके जाने का टाइम भी आ गया है, कल या परसों वो चले जाएंगे। तो सोचा जाने से पहले आपको मिलाऊं, ताकि आप भी उनसे कुछ सीख सकें, क्योंकि जिनसे मैं आपको मिलाने वाली हूँ, वाकई में आपको उनसे मिलने के बाद कुछ तो सीखने को ज़रूर मिलेगा और अच्छी प्रेरणा भी मिलेगी, क्योंकि वो दरअसल वो मेरे मतलब छोटे भाई के समान हैं और मानते हैं मुझे वो अपनी बड़ी दीदी, तो मैं भी उनको अपना छोटा भाई ही मानती हूँ। तो मैं आपको उनसे मिलाऊंगी, फिलहाल मैं अभी उन्हें कॉलेज छोड़ने जा रही हूँ, तो मैं उनको पहले छोड़ आती हूँ, ठीक है, फिर मिलते हैं। बाकी हल्द्वानी में बहुत 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 गर्म हो रहा है। बाय। तो भैया को छोड़ दिया हमने, ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। तो ये है हमारे हल्द्वानी में, जो है तीन पानी रोड पर स्थित है, बाईपास रोड में। थोड़ा आपको हम दिखाते हैं। बाप रे, अभी सुबह के 9:30 बजे और इतनी धूप लगी है, सामने देखो एक लंबा सा ट्रक है, उसकी वजह से जाम लग गया। अब हम निकलते हैं धीरे धीरे, बहुत खतरनाक गर्मी हो रही है। ये है मेन चौराहा, तो यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट टर्न। तो वही भैया पढ़ाई कर रहे थे और मैंने इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया है, क्योंकि आपसे मिलाना ज़रूरी था। बाकी आज कॉलेज में कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना। तो पहले मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, इनका नाम है जीवन चंद उप्रेती और ये अल्मोड़ा खेती गांव से बिलोंग करते हैं। फ़िलहाल ये यहाँ पर अपने बीएड की पढ़ाई वगैरह के लिए आए हैं, क्लासेस अटेंड करने के लिए, और बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही होशियार हैं ये। थोड़ा बहुत मैंने इतना तो बता दिया, बाकी भैया बताएंगे। तो भैया बताओ फिर, आपने इंटर कहाँ से किया? आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जैसा कि दीदी ने मेरा नाम बता दिया है, तो मैंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई अपने गांव से ही की है, और फिर मैंने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से विशेष व्यक्त कर रहा हूँ, जो जो दिव्यांग लोगों के लिए एक कोर्स है, केवल दिव्यांग लोगों के लिए ही बनाया हुआ है, लेकिन ये केवल दिव्यांग लोगों के लिए नहीं है, ये सभी लोगों के लिए, मतलब सभी सामान्य लोगों के लिए है। इसमें
मेरा कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी का है जिसको हिंदी में अधिगम अक्षमता कहते हैं। मेनली जो है दिव्यांग लोगों के लिए एक एक तरह का विषय है। बाकी और आपने कंप्यूटर वगैरह भी किया था ना? हाँ मैंने इससे लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर डिप्लोमा किया है। दीदी के साथ साथ यहीं पर रहा हूँ पूरे 5 साल। 5 साल ये यहीं थे क्योंकि मैं नीचे वाले फ्लोर में थी, ऊपर वाले फ्लोर में, तो बहुत अच्छा रहा। और मेन चीज़ यह है कि इनकी मुलाकात मेरे से तब हुई जो इनकी सबसे बड़ी दीदी हैं, ये 5 बहनों के एक भाई हैं और बहनें भी काफ़ी टैलेंटेड हैं, तो इनकी जो दीदी है उनके साथ मेरी मित्रता हुई थी। तो तब मेरा बेटा बहुत छोटा था, हम स्कूल में टीचिंग करते थे, तो तब से हमारी दोस्ती थी। उन्हीं के द्वारा मैं भाई बहनों से मिली, फिर मैं ही इनको यहाँ पर लेके आई हमारे बिल्डिंग में। तो ये ऊपर रहते थे तो 5 साल ये यहाँ रहे हैं। उसके बाद देखो ये अपनी बीएड की पढ़ाई के लिए क्लासेस अटेंड करने यहाँ आए, लेकिन यहाँ भी इनके इष्ट मित्र सभी रहते हैं, लेकिन सबको छोड़कर ये मेरे पास रहने के लिए आए। तो मतलब क्या सोच के आए, मतलब ये बताओ पहले आप। इतने मतलब आपके बहुत रिश्तेदार तो यहाँ हैं ही ना, अपने पराए सभी हैं, फिर भी कैसा मतलब क्या आपको लगा कि मुझे दीदी के पास जाना चाहिए? मेरे को दीदी के साथ एक अलग सा लगाव है और मुझे है। जैसे मेरी बड़ी दीदी है वैसे ही ये भी है, मेरे सब एक समान है। बहुत अच्छी बात कही भैया ने, इसलिए हम भी मैं भी बहुत मानती हूँ भैया को। मैं दिव्यांग हूँ लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अभी भी ये इतनी लगन है इनको, देखो। और इनकी हैंड राइटिंग दिखाते, देखो इनके हैंड में भी थोड़ा सा दिक्कत होती है, फिंगर वगैरह मतलब एकदम से चलती नहीं है, उसके बाद भी इनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। ये देखिए थोड़ा इनको मतलब धीरे धीरे लिखते हो ना आप? हाँ। टाइम लगता है लिखने में, लेकिन बहुत अच्छा करा है। स्पीड नहीं है। हाँ स्पीड नहीं होगी अभी, अभी तो 5 सेमेस्टर है ना इसमें। फिर क्या करोगे, जॉब वॉब करने का इरादा है कुछ? जॉब के लिए है। हाँ मेरे लिए तो वही है, मतलब यही टीचिंग लाइन में ही आओगे? टीचिंग लाइन में या अदर कुछ? मेन तो टीचिंग लाइन का ही होगा तुम्हारा। लेकिन मेरा यूपीएससी टारगेट है। अच्छा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लगन तुम्हारी देखो इतनी है तो जरूर कामयाब भी होगी। लेकिन शिक्षा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब इतना होने के बाद भी कितनी पढ़ाई में मन लगा रखा है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही हम लोगों को भी होना चाहिए। थोड़ा बोलने की दिक्कत होती है ना तुम्हें, थोड़ा हाथ की और थोड़ा बोलने की, बाकी बहुत अच्छे हैं। दिमाग इतना तेज है ना इनका, भगवान चमत्कार करता है। देखो इनको थोड़ी सी दिक्कत हाथ में और मुँह में दी तो, लेकिन भगवान ने दिमाग इतना अच्छा दिया है, बहुत ही बढ़िया। बाकी ये है हमारे हीरो, ये सुन रहे हैं देखो सब कुछ। क्या सीखा आपने पयू से, मामू से? कि हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। और मेरी तरह, हाँ मेरी तरह बनना, और थोड़ा भैया की तरह। बाकी भैयू को लग रहा है कि शायद आप लोग मेरी बात नहीं समझ पाए, लैंग्वेज की प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भैयू, सब समझ जाते हैं। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक तुम्हें। बाकी आप लोग भी बताइएगा, बता दो। हाँ बाकी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। मयू जो है स्पेशल बीएड कर रहे हैं। स्पेशल बीएड माय मीन वैसे तो हर कोई कर सकता है, पर इसमें मेन फोकस जो दिया गया है वो दिव्यांगों के लिए दिया गया है ना, उनको मतलब प्रोत्साहन देने के लिए ताकि वो भी कर सकें। तो जो ये स्पेशल बीएड है उसके 5 सेमेस्टर हैं, तो उसमें से 2 सेमेस्टर इनका भी सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है, बाकी 3 सेमेस्टर और बचेंगे। और उसके अलावा इसमें 4 टाइप के कोर्स है ना? हाँ। 4 टाइप के कोर्स है जिसमें से ये कर रहे हैं लर्निंग वाला। क्या लर्निंग डिजिबिलिटी? अच्छा अच्छा। बाकी आप लोग भी ये बीएड कर सकते हैं मुक्त विश्वविद्यालय से, इतना ज़्यादा लोड भी नहीं है। देखो 5 सेमेस्टर का खर्चा लगभग 52,000 के समथिंग है,
कर सकते हैं हम कोई करना चाहे तो अभी आने वाले एग्जाम के लिए हम ये करने वाले हैं। अगर कोई कोर्स करना चाहता है तो कर सकता है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोर्स भी आ रहे हैं ना, फॉर्म वगैरह निकल रहे हैं, तो आप लोग भी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत कम खर्चे में अच्छा खासा कोर्स मिल जाता है करने को। बाकी भाइयों को तो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा वो है एक्साइटमेंट की मैं कुछ करूँ, कुछ करके दिखाऊँ, और ये करते भी हैं। जब ये यहाँ 4-5 साल यहाँ पर रहे तो बहुत ही टैलेंटेड, बहुत हर चीज़ में ये नॉलेज पावर बहुत अच्छी है। बाकी आप लोग बताइए आप लोग कैसे लगे भैया, और क्या कहना चाहते हैं आप इनसे वो भी बताइएगा, ठीक है। और कुछ वैसे तो आप लोगों को आप बताना जरूर कमेंट करके कि आपको समझ में आया नहीं। भैया को लग रहा है कि शायद आप लोग नहीं समझे मेरे से कहलवाया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सब समझे होंगे इनकी भाषा को भी, है ना। तो इसी के साथ थैंक यू, बाकी हम शाम को फिर मिलेंगे आपको। फिलहाल आप भैया को पढ़ाई करने देते हैं, बाय। ये रात के 10 बजे हैं और हम जा रहे हैं वॉक पे 2 राउंड लगाने के लिए, खाना वाना खा के। वाओ लाइट में कितने अच्छे लग रहे हैं इन्होंने ना बहुत अच्छा कर रखा है, इतनी अच्छी लाइट है ना पूरी रोड में, देखो इन्हीं की लाइट से हो रहा है उजाला हमारी जितनी वाली रोड में है ना, ये वाली लाइट से भी पूरा उजाला हो रहा है हमारा, वरना यहाँ पर इस रोड में कोई वैसी लाइट नहीं है। सरकारी जो लाइटें होती है स्ट्रीट लाइट्स वगैरह यहाँ पर लगी हुई है। खेतों में जुताई वगैरह भी सब हो गई है, और ये देखो यहाँ ये कितने मस्त नींद में सोया हुआ है। उसके ऊपर भी एक और है, कहाँ उसके आगे पे दो है क्या, एक ही है नहीं, नहीं एक दो है ना, हाँ एक ब्लैक है पीछे, वो दिख ही नहीं रहा वो उधर वाला ना, वाइट वाला लगी चमक रहा है। ये दोनों को कितनी बढ़िया नींद आई है, क्योंकि अभी वाकई में ठंडा ठंडा सा महसूस हो रहा है, दिन में तो बहुत गर्म है। और इधर वाली साइड में भी पूरे खेतों में जुताई हो गई है, जितने बची हुई है उतने में बोया जाएगा अब, बाकी तो मकान लग चुके हैं। इससे आगे को पूरी बिल्डिंगें बन गई हैं, बाकी हमारे बगल वाले प्लॉट में भी बिल्डिंग बन रही है, वो शायद मैं आपको अब दिखाऊंगी बाद में। और ये लोग कांटे चुनेंगे हाथ में, नो बेटा तभी तो नहीं लाती हूँ मैं बाहर आप लोगों को, देखो उसकी नींद उठा, वो देखो वो उठ भी गया, झसक गया वो फिर लेट गया, आ गया आ गया सांड कह रहा है, सांड कह रहा है, सांड कह रहा है मैं मिलने आता हूँ बाबी की, तेज बोल रहा है, रेसिंग कर रहे हैं बच्चे, चलो इधर से एको कर लास्ट, हां आप सीधे घर को ही जाते हैं, यहां से कार को छूना बस फिर वापस आने, मम्मी का मेरे को छूना, चलो 1 चलो 2 3 स्टार्ट गो गो फास्ट। वो देखो वहां डॉगी भी उड़ गई, आ गया मैं नहीं चलती, देखो वैसे तो बैनी जीती लेकिन भैया जीता, भैया ने बैनी को जिता दिया ना, चलिए रोज आते और हमको घर जाना पड़ता, हाँ। बाकी आज के ब्लॉग को हम इतना ही रखते हैं और गुड नाइट, बाकी बताइएगा आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। इसी के साथ आप सभी को प्रणाम, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंडी, बाय बाय, कभी कभी मिलेंगे।